मामा घर आके इतना अच्छा लग रहा है ना, I can't tell you, I'm so relaxed. वहाँ पे देहरादून में ना क्षितिजा ने परेशान कर दिया था, इतना रोती थी, अब देखो यहाँ पे कितनी शांत हुई है. आए बाला, ये क्या हुआ? What happened? चोट लगी क्या तुम्हें? छू मत. क्या हुआ कि मैं जिम में थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो मेरे दोनों हाथ पांव अकड़ गए. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके थोड़ा हॉट वाटर बात लेता हूँ तो मेरे मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे. अम्मा आपने देखा ना बाला को, कैसे फिटनेस का भूत सवार हुआ है और कैसे टाइट कपड़े पहन रखे हैं. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. अम्मा बातू, वो ओनली बाला नहीं, तुम्हारे अप्पा भी. अप्पा नावले तो फेस रहे, बहुत बदल गया है विश्वा. ये बाल खल्लर किए है, फिर फ्लोर पिंक का शर्ट पहन के इधर उधर घूमता है. बहती हूँ माँ, ऐसा लगता है कोई बेडशीट काट के शर्ट बनाया. माई कुछ बोलती है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है. पर मैं तो बोल सकती हूँ, मैं अप्पा से बात करती और मैं बाला से. मैं भी देखती है ये बाला को एकदम से फिटनेस और जिम का भूत किधर से सवार हो गया. डन. सारिका यहाँ दोस्तों के साथ? मुझे सही कह रही थी, सारिका को सदैव छोड़ दे के रखी. मुझे प्रेजेंटेशन का झूठ बोल के आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रही. सारिका, रोमी तुम यहाँ? अरे ये मेरे हस्बैंड है रोमी भला. हाय. सारिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो. तुम हो क्या गए? शगुन को इतना कुछ सुना दिया तुमने. आपको क्या हो गया रमन? शगुन वहां आई क्यों? आप लेकर आए थे ना उसे? क्यों हो क्या रहा है ये सब? अचानक शगुन की इतनी केयर क्यों चालू हो गई? क्यों रमन, आजकल आपको किसी का ख्याल नहीं रह गया? फैमिली का ख्याल नहीं है, मेरा नहीं है, क्या हो रहा है ये सब? अरे प्लीज हमें कोई बहाना नहीं बनाना, मुझे साफ दिखाई दे रहा है रमन. मैं बस कुछ बोलती नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है. रमन क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आजकल आपको शगुन ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? वो क्यों मुझसे बेहतर लग रही है आपको? आपको मेरे अंदर की कमियां अच्छे से नजर आने लगी है, राइट? वो माँ बन सकती है, मैं माँ नहीं बन सकती. बस समझ में आ रहा है रमन? बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन लिया मैंने. मेरे भी बर्दाश्त की हद होती है, समझी तुम? You know what? मुझे लगा था तुम भाग्य औरतों की तरह नहीं हो, समझदार हो, बातें समझ सकती हो, लेकिन नहीं. If this is how you want to think, तो तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक बात याद रखना, इतना भी मत बोलो कि तुम्हें पछताना पड़े बात. You just left me to my imagination, Raman. ये कोई तरीका नहीं होता है. आप ही चुप्पी मार रही है. जा रहा हूँ उसी शगुन के साथ में. Even I don't care. मैंने कहा था ना मैं नहीं पूछूंगी, तो क्यों पूछ रही हूँ इतना सब? I don't care. क्या तुम्हें चिंता है? हाँ किसी की भी चिंता है तुम्हें मेरी, रोहित, मम्मी जी. मम्मी जी ने तुमसे रिक्वेस्ट भी की पर तुमने नहीं मानी, राइट? चलो ठीक है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन था फेयर इनफ. मम्मी जी से प्रॉमिस किया था तुम जल्दी घर आओगी, तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मजे मार रही हो, ये सब क्या हो रहा है सारिका? हाँ और वैसे भी ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? हाँ तुम्हें मैंने परमिशन दी थी MBA करने की, राइट? ताकि तुम्हारा दिल लगा रहे, मन लगा रहे, और तुम मुझे मैसेज कर रही हो. सारिका बहुत हो गया, ओके कर चलो अभी. एक मिनट मैं बैग लेके आ रही हूँ. सर सर
मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। सारिका, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए सोचने के लिए। नहीं सर, जैसा कि आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और फिर सर कभी कभी लाइफ में हम बस एक ही पल में जान जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बस ये जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। नो प्रॉब्लम, तुम सुबह आकर ऑफिस में मेरी टीम से मिल लेना, बाकी की फॉर्मेलिटीज वहीं पे पूरी कर लेंगे, ठीक है? एनीवेज कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुझे तो लगता था कि नहीं आएगी, लेकिन शी टुक द जॉब, दैट्स गुड। मनोज, मुझे समझ नहीं आ रहा है आजकल वो कह रहा है। इसी तरह मैं इससे झगड़ रही हूँ यार। वो समझदार औरत है, बट शी इज जस्ट बिहेविंग अनरीजनेबल। उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि शगुन के लिए जो कर रहा हूँ इनडायरेक्टली उसी के लिए कर रहा हूँ मैं। रमन, तुम इसी तरह की साइड से भी सोच के देखो यार। वो सिर्फ इनसिक्योर फील कर रही है। शगुन तुम्हारी एक्स वाइफ थी, जिसे तुम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज सडनली तुम उसे मिल रहे हो, उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसके इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हो, तुम और क्या सोचेगी? यार, बट शी हैज टू अंडरस्टैंड ना कि शगुन के लिए जो कर रहा हूँ, क्योंकि शगुन मेरा और इशिता का बच्चा कैरी कर रही है यार। ओके, क्या ये बात इशिता को पता नहीं ना? हम तुम और इशिता दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आई नो दैट, तुम्हारी आंखों में दिखता है। And that is why वो insecure feel करे, that is natural. इशिता अच्छी है, समझदार है, लेकिन उसे देवी मत बनाओ यार, प्लीज। वो भी एक औरत है, उसका पति अगर ऐसे बिहेव करेगा तो वो क्या सोचेगा? उसने अभी भी अपने बच्चा खोया है। मेरी माँ, ये भी सही वक्त है, उसे बता दो। मैं तो चीज कहेंगे, तकलीफ तो उसे हो रही होगी मेरी वजह से, लेकिन तुम्हें तो कहा था ना, जब तक 6 हफ्ते ना हो जाए, बच्चा स्टेबल ना हो जाए, उसे मत बताना, क्योंकि झूठी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग यार। हाँ हाँ, देखिए नहीं बताने से बहुत कुछ बिगड़ रहा है, बताने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बता दो। थैंक यू, मैं बोला तुम्हें। करने दो इनको इनकी मनमानी, सोऊंगी नहीं मैं यहाँ पे। मैं क्यों नहीं सोऊंगी? मनमानी तो ये कर रहे हैं ना, ये सोएंगे काउच पे, रमन सोएंगे वहां, मैं सोऊंगी यहां। रात भर इनकी कमर टूटेगी ना, तब पता चलेगा। मुझे माफ कर, कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे एक बात छुपाई, आई नो नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन छुपानी पड़ी। चाहता कि सही मौका आएगा तो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। मैं नहीं जानता था तुम कैसे रिएक्ट करोगी यार, और अब भी नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा हूं मैं, उसके पीछे एक कारण है। से क्रिएट करते रहोगे, कुछ बताओ के लिए? बात यह है कि मैंने हम दोनों के लिए कुछ किया है, और जो भी किया है सिर्फ
उससे तुम्हारे लिए किया है। और एक मिनट, बात यह है कि तुमसे जो बात छुपाई है वो शायद, इसलिए कि सही मौका आएगा तब तुम्हें बताऊंगा, पर मेरा दावा है कि जब तुम्हें पर... एक मिनट। हेलो, बट लेकिन कि शगुन ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूं। कुछ भी करूं पाई जाती है शकुन कुछ भी।